देख रहे हो मैंने इसमें ये गियर लगाया और ये मैंने इसे क्लच रिलीज कर दिया, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्लच प्लेट की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये आगे तक नहीं बढ़ पा रही है, तो इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको फटाफट से ओपन करेंगे, चेक करेंगे क्लच प्लेट में कितनी दिक्कत है और जो इसके हब सेंटर आते हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो फटाफट से इसको हम लिफ्ट के ऊपर लगाएंगे और इसका जो क्लच है वो ओपन करेंगे और चेक करेंगे क्लच प्लेट की कंडीशन इसकी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है RTR 4V BS6 क्लच प्लेट के लिए हमारे पास आई। क्लच प्लेट की कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो क्लिप में दिखाया कि क्लच रिलीज़ करने के बाद में आगे तक नहीं बढ़ पा रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी क्लच प्लेट ख़राब है। तो फटाफट से इसको क्लच चैम्बर को इसको हम ओपन करेंगे और जो क्लच प्लेट की जो कंडीशन है वो हम खोल के इसको क्लच प्लेट तो इसकी कन्फर्म ख़राब है, लेकिन उसके साथ में जो हब सेंटर और प्रेशर प्लेट आती है उसको भी चेक करेंगे, अगर वो भी ख़राब है तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो फटाफट से गाड़ी को जो है इसके चैम्बर को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लच का चैम्बर जो है हमने ओपन कर लिया है। कंडीशन इसकी जो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब इसकी कंडीशन है और ऑयल जो है वो चिपका हुआ है पार्ट से, क्योंकि इसकी जो क्लच प्लेट है वो जल गई पूरी तरह से और जो ऑयल में है वो मिक्स हो गई है। इसलिए क्लच प्लेट की और ऑयल की, अगर आप ऑयल दिखाऊँ मैं, ऑयल की इसकी ये कंडीशन है। ये तभी होती है जब क्लच प्लेट गाड़ी की ख़राब हो जाती है और उसका जो केमिकल है, जो उसका मटेरियल है, वो इसमें ऑयल में मिक्स हो जाता है, तो तभी ये ऑयल की कंडीशन होती है। तो कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इसको फटाफट से ओपन करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं कि इसमें स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी दी गई है, उसके बारे में भी हम किसी अलग वीडियो में अलग से एक वीडियो बना के बात करेंगे। फिलहाल हम इसमें फटाफट से खोल के इसमें क्लच प्लेट जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। क्लच प्लेट इसके अंदर से ये निकली है जो आप देख पा रहे हैं। कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जल गई है पूरी तरह से। इसके ऊपर जो मटेरियल आता लगा हुआ है बिल्कुल जल गया है, ब्लैक हो गया है। और सबसे ज़रूरी आपके बात एक बताऊँ कि इसमें जो ये क्लच प्लेट है ये इस RTR की है ही नहीं, इसमें स्प्लेंडर प्लस की क्लच प्लेट लगाई है और वो भी लोकल क्लच प्लेट फिट की गई है। तो इनको नीचे डाल देते हैं। और इसमें जो ये प्रेशर प्लेट है इन पर भी स्क्रैच आ गए हैं, ये भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो क्लच हब है ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी काफ़ी स्क्रैच आ गई है और इसको भी बदलेंगे हम। उसके बाद में जो ये सेंटर है, सेंटर आता है, ये भी बदलना पड़ेगा कि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ गए हैं, क्योंकि क्लच प्लेट ख़राब होने के बाद भी ये गाड़ी काफ़ी टाइम तक चली है, इस वजह से हब सेंटर जो है ये भी ख़राब हो गए हैं। तो इसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और हब सेंटर ये सब आइटम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि सारे ही पार्ट्स जो है वो बेकार हो गए हैं। इसमें से अगर कोई भी एक भी पार्ट्स हम दोबारा से लगाएंगे तो दोबारा क्लच प्लेट ख़राब होने की शिकायत आ सकती है, तो इसलिए हम सारे आइटम चेंज कर देंगे। उसके बाद में इसका अगर क्लच हाउसिंग देखें तो ये हाउसिंग जो है एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सिर्फ हम हाउसिंग को बाहर निकालेंगे और जो अंदर का जो चैम्बर है इसको फर्स्ट क्लास पेट्रोल से साफ़ करेंगे और उसको वापस से फिट कर देंगे। तो इसका जो क्लच है वापस से हम फिट कर देंगे क्लच प्लेट और क्लच की असेंबली रिप्लेस करने के बाद में। और उसके बाद में देखेंगे इसमें जो पिकअप था इसका गाड़ी का कितना उसमें फ़र्क आया है, कितना उसमें बदलाव आया है। तो फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं और फिट कर दिया हमने। उसके बाद में आती है ऑयल की बारी। ऑयल इसमें मैं ये जो मोटूल का ऑयल इसमें डालने वाला हूँ, इसमें 1200 ml आता है, तो 1200 ml का ही पैकिंग है, 20W40 इसमें ग्रेड आता है RTR में। तो ये ऑयल डालने वाला हूँ क्योंकि बेस्ट ऑयल है, अच्छा ऑयल है। तो इसमें 1200 ml आता है तो 1200 ml ही डालना चाहिए आपको, अगर आप कम डालेंगे तो हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम गाड़ी में आती है। तो ये ऑयल इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद में गाड़ी को चेक करेंगे कि पिकअप इसका पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है वो मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसको हम फटाफट से इसमें ऑयल डाल दिया हमने और इसको टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे कि इसका पिकअप जो है वो कितना बड़ा है और कितना अच्छा इसका पिकअप आ रहा है। और पिकअप की अगर बात करें तो पिकअप अब पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा पिकअप आ रहा है, क्योंकि RTR 200cc गाड़ी है, इसका पिकअप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा आता है, क्लच प्लेट पे से डाउन हो गया था। वीडियो आज की हमारी यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।